रविवार को दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। यहां मनोज ने दिल्ली से एनडी गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, हम लोग तो माँ दुर्गा के भक्त हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज नारी और व्यापारी दोनों भयमुक्त हैं, कहीं भी किसी भी समय भी आ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के अवसर पर सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया है। प्रयागराज पुलिस ने मंत्री नंदी के तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर पर सक्रियता दिखाते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है। संदेह निवारण के लिए मौके पर कुछ रिजर्व ईवीएम का सूची से मिलान कराया गया, जिससे संतुष्ट होने पर मामला शांत हुआ। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और विधायक को भी उक्त तथ्य से अवगत करा दिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की 80 की 80 सीटें हैं, ये गठबंधन जीत रहा है। हमने सभी सीटों का दौरा किया है, ये एक तरफा लड़ाई है, विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। अखिलेश यादव की चुनावी सभा में भगदड़, पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, मनोज तिवारी ने विपक्ष पर साधा निशाना, सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा, वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मैनपुरी में शराब के ठेके से पुलिस की वसूली। जिले के फेफला कटरिया में एसपी मुख्य अखिलेश यादव की चुनावी सभा के दौरान एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच की ओर दौड़ पड़ा। युवक मंच पर करीब करीब चढ़ ही गया था कि कमांडो ने फुर्ती दिखाई और उसे नीचे खींच लिया। तब तक वहां तैनात पुलिस के जवान भी पहुंच गए और युवक को बैरिगेडिंग के पीछे ले गए। इस दौरान थोड़ी देर के लिए सभा में खलबली सी मच गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बासगांव में पीएम मोदी ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पाकिस्तान में इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। एसपी कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं, कहा कि ये इंडी वाले चाहते हैं कि विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे। रविवार को दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। यहां मनोज ने दिल्ली से एनडी गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, हम लोग तो मां दुर्गा के भक्त हैं। मेरे खिलाफ दिल्ली में एनडी गठबंधन ने जिसे टिकट दिया वह महिषासुर की पूजा करता है। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस महिषासुर की पूजा करने वालों को टिकट दे रही है। इस देश में मां भगवती का अपमान करने वाले, देश के टुकड़े टुकड़े सोचने वालों को उनकी जगह दिखाएंगे। मनोज ने कहा कि मैं पूरे देश में गली गली जा रहा हूं। मैं आज वाराणसी में जहां खड़ा हूं, कभी मैंने यहां गाने की शूटिंग की थी। आज यहां से गुजर रहे थे तो गाड़ी रोक पीएम मोदी के लिए यहां मौजूद लोगों से कहा कि भैया जागे रहना, दीदी जागे रहना, क्योंकि मोदी इस देश का भाग्य बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में रविवार को टाउन नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में मुख्तार फैमिली और एसपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि माफिया परिवार से ब्रिगेडियर असमा ना का कोई संबंध नहीं है, यह सबसे बड़ा झूठ है। गाजीपुर में महिषा विश्वामित्र के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना है, जो सबसे पहले आतंकवाद से लड़े थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर प्रदेश सरकार ने माफियाओं के सीने पर बुलडोजर चलाकर समाज को भयमुक्त किया था। सीएम योगी ने कहा कि आज नारी और व्यापारी दोनों भयमुक्ति है, कहीं भी किसी समय भी आ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के अवसर पर भी सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया है। 7 करोड़ परिवार को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली हुई है। 4 करोड़ गरीबों का मकान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ रामलला का मंदिर बना है, दूसरी तरफ माफियाओं का सफाया हुआ है, इसी के चलते प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। सोशल मीडिया में अपने नाम से बीजेपी उम्मीदवार को हराने की अपील का फर्जी मैसेज वायरल करने के मामले में यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कड़ा एक्शन लेते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन समेत 2 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है।
प्रयागराज पुलिस ने भी मंत्री नंदी की तरफ से दर्ज कराई गई FIR पर सक्रियता दिखाने हुए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है। संदेह निवारण के लिए मौके पर कुछ रिजर्व EVM का सूची से मिलान कराया गया, जिससे संतुष्ट होने पर मामला शांत हुआ। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और विधायक को भी उक्त तथ्य से अवगत करा दिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने सभी नेताओं को आश्वस्त किया कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सातवें यानी अंतिम चरण में अब वाराणसी में मतदान होना है। रविवार को अपने वाराणसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि काशीवासियों का आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे मिला। यहाँ मोदी जी की लहर चल रही है, BJP की लहर चल रही है। काशी का एक एक व्यक्ति मोदी जी के साथ है। एक तरफा जीत यहाँ से होगी, प्रचंड बहुमत के साथ होगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की 80 की 80 सीट NDA गठबंधन जीत रहा है। हमने सभी सीटों का दौरा किया है। एक तरफा लड़ाई है, विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। ये दो लड़कों की जोड़ी 0 सीट पाने वाली है। वहीं वाराणसी में होने वाली राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनकी जनसभा में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें 0 सीट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रविवार को जनसभा किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। CM योगी ने कहा कि गोरखपुर ग्रामीण अब गोरखपुर महानगर को टक्कर दे रहा है। 2009 से पहले यह क्षेत्र बांसगांव में आता था। इसके बाद वे यहां से सांसद बने। यहां हर वर्ष बाढ़ आती थी, पूरा क्षेत्र जलमग्न रहता था, सड़क बिजली नहीं थी, पूरा क्षेत्र बाढ़ की त्रासदी से जूझता था। जब आपने BJP को समर्थन देकर गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह को विधायक बनाया तो तरकोलानी रेगुलर बन गया, अब पानी नहीं लगता। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिगरा स्थित शहीद पार्क में सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में मौजूद काशीवासियों से हालचाल जाना और शहर के बारे में जानकारी ली। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अचानक पार्क में देखते ही महिलाएं सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखी। पीयूष गोयल ने पार्क में महिलाओं के साथ योग भी किया। मैनपुरी के थाना घिरोर क्षेत्र की कोसमा चौकी पर तैनात एक मुख्य आरक्षी के आतंक से स्थानीय दुकानदार परेशान है। शराब के ठेके पर पहुंचकर सेल्समैन से 1,000 से 500 रुपए तक की वसूलता हुई। एक देसी ठेका से रुपए लेने का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ASP ग्रामीण ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में CM योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक दिन में मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, गाजीपुर और गोरखपुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान का नाम लेते हुए भी अफजाल अंसारी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि माफिया अपने काले कारनामों को छुपाने की लिए खुद को ब्रिगेडियर उस्मान का परिवार बताता है। यह कोड़ा झूठ है।